बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत स्क्रैच से की और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया अब तक अपने दम पर किया, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बच्चों के लिए भी यही रूल रखा। जब उनके बेटों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाने का डिसीजन लिया तब मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि इंडस्ट्री है, जाओ मेहनत करो, स्ट्रगल करो, मुझसे आके मदद मत मांगना, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं मदद करूंगा। मिथुन चक्रवर्ती के बच्चों ने खुद ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात बताई है। मिथुन चक्रवर्ती का सबसे छोटा बेटा नामाशी जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है। इससे पहले महाक्षय भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं लेकिन उनका जो करियर है वो फेलियर साबित हुआ। वहीं नामाशी को लेकर थोड़े आकलन लगाए जा रहे हैं कि नामाशी इंडस्ट्री में चल सकते हैं क्योंकि उनके लुक्स हूबहू मिथुन चक्रवर्ती जैसे हैं। लेकिन नामाशी इंडस्ट्री में चलेंगे तब जब उनकी पहली फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो 2018-2019 में ही हो गई और तब से ये फिल्म बन रही है लेकिन लॉकडाउन के कारण ये फिल्म आगे से आगे पोस्टपोन होती नज़र आ रही है। नामाशी को राजकुमार संतोषी ने उनकी पहली फिल्म में डायरेक्ट किया है। बैड बॉय फिल्म का नाम है। अमरीन कुरैशी नाम की नई एक्ट्रेस के साथ नामाशी नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म को लेकर थोड़ा बहुत प्रमोशन किया गया, रिलीज़ डेट की अनाउंस पर विचार किया जाता है लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है। यही कारण है कि मेकर्स अभी जल्दबाजी में नहीं है इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये फिल्म 2019 की है तब से ये बनकर तैयार है, ऐसे में मेकर्स को अब अगर फिल्म आने वाले समय में रिलीज़ करनी है तो कुछ नया तड़का या ट्विस्ट इस फिल्म में ऐड करना ही पड़ेगा। और अब ये ट्विस्ट ऐड करेंगे खुद मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती जो अपने 70s में हैं वो लंबे समय बाद अब हमें स्क्रीन पर नज़र आने वाले हैं, वो भी बेटे नामाशी की बैड बॉय नाम की फिल्म में। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का एक आइटम नंबर रखा गया है। मिथुन चक्रवर्ती जो कि डांस और एक्शन के लिए जाने जाते हैं वो इस आइटम नंबर में नामाशी के साथ परफॉर्म करते नजर आएंगे और गाने का नाम है जनाबे आली। इनफैक्ट फिल्म सिटी में इस गाने की शूटिंग भी शुरू हो गई है और शूटिंग के सेट से ही कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं जिसमें मिथुन नामाशी के साथ नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, वो अपने बेटों के लिए फिल्में प्रोड्यूस तक कर देते हैं, वहीं मिथुन चक्रवर्ती जिनका अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटों को खुद अपने प्रोडक्शन से लॉन्च तो नहीं किया लेकिन उनकी पहली फिल्म के लिए एटलीस्ट मिथुन चक्रवर्ती इतना तो कर ही सकते हैं।